Today I am going to start a new topic, tenses. Okay, and tenses depicts. I am going to tell you that what depicts tenses. Tenses depicts time and action of a person. So before starting it, I am going to tell you about the sentence. What is a sentence? And sentence क्या होता है? A group of a letter is called sentence. Okay. So you should have knowledge about the all parts of a sentence. Okay, so I am going to write here an example of a sentence and going to tell you what is sentence. Okay, so he is reading a story. Okay. So he here, what is he here? Here he is subject, is helping verb, reading form of verb, and story. A story is object. Okay. So ये आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सब्जेक्ट किसको कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब किसको कहा जाता है, वर्ब की फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट कैसे और यूज होता है, किसको कहा जाता है. ओके, सो नाउ आई थिंक यू अंडरस्टूड इट, यू गेट इट नाउ. एंड नाउ वन थिंग मोर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड हैव नॉलेज अबाउट पर्संस. ओके, पर्संस, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई विल. ओके, सेकेंड पर्सन यू, योर, एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे एंड देयर. ही, शी, इट एंड दे. ओके, सो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होता है बेटा? फर्स्ट पर्सन होता है जो बात कर रहा है. जब दो पर्सन आपस में खड़े हैं, दो पर्सन एक जगह मान लो खड़े हैं, अब वो आपस में क्या कर रहे हैं? कुछ डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो वो क्या है? टू पर्सन है. फर्स्ट पर्सन है बात करने वाला, फर्स्ट पर्सन, और सुनने वाला सेकेंड पर्सन. लेकिन जिसके बारे में वो बात कर रही है वो क्या हो गया? वो हो गया थर्ड पर्सन. ओके, तो इसमें आई क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन. यू क्या हो गया? सेकेंड पर्सन. और ही, शी, इट जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड नाउ स्टार्ट टेंसेस. टेंसेस, सो वी हैव थ्री टाइप ऑफ टेंसेस. Present tense, past tense, future tense. Okay, present tense यानी कि अभी जो time running कर रहा है, time that is running. अब अभी इस वक्त जो टाइम चल रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? प्रेजेंट टेंस कहेंगे. ठीक है, जो टाइम खत्म हो गया, बीत चुका है, वो क्या हो गया? हमारा पास्ट टेंस हो गया. और आने वाला जो टाइम है वो क्या हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद प्रेजेंट टेंस. सो दिस इज आवर प्रेजेंट टेंस. एंड नाउ प्रेजेंट टेंस ऑल्सो है फोर पार्ट. ओके, इट्स फर्स्ट पार्ट सिंपल प्रेजेंट, और यू कैन से प्रेजेंट नंबर टू पे क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस.
Number third, present perfect. And number four, present perfect continuous. Okay, number four is our present perfect continuous. So these are the फोर पार्ट ऑफ टेंसेस. ठीक है, प्रेजेंट टेंस के ये फोर पार्ट है हमारे पास. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट पार्ट नाउ. सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, सो लेट्स राइट द रूल फर्स्ट and understand the rule. Rule, what is the rule? Subject plus v1. Just wait. Subject v1 s plus object. Okay, so बेटा first try to understand the rule. Okay, क्या understand करना है हमने, ये subject, verb और SES कैसे एक दूसरे के साथ connected है, क्या क्या इनका एक दूसरे के साथ relation है. For example, ये जो verb है ये किसके साथ related है, verb related है S और ES के साथ. क्यों related है, क्योंकि verb के first form के साथ हम S और ES का use करते हैं. ओके, और ये एस और ई एस रिलेटेड है सब्जेक्ट के साथ. ओके, सब्जेक्ट के साथ कैसे रिलेटेड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट के बारे में, आपको पहले क्लियर किया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगुलर हो, एंड सेकंड थिंग इट शुड बी थर्ड पर्सन. ठीक है, फर्स्ट पर्सन नहीं होना चाहिए, सेकंड पर्सन नहीं होना चाहिए, थर्ड पर्सन होना चाहिए. जब थर्ड पर्सन होगा और दूसरी बात सिंगुलर होगा, ठीक है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, एस और ई एस का यूज करेंगे. एग्जाम्पल, ही कुक्स फूड. तो क्या है यहां पे, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक और एस का यूज किया है, क्योंकि सिंगुलर है ये. ठीक है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए एस का यूज किया है. साथ में फूड क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया. तो इन दिस वे क्या हो गया, ये हमारा ये टेंस जो है, इसके साथ हमने एस और ई एस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज कर लिया. एंड नाउ लेट्स राइट अ नेगेटिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस. अब नेगेटिव फॉर्म कैसे लिखनी है, ठीक है, ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है कि व्हाट इज द वे टू राइट अ नेगेटिव फॉर्म ऑफ इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. क्यों, बिकॉज अ स्टूडेंट ऑलवेज गेट पजल्ड हियर. क्यों पजल हो जाता है वो, उसका रीजन क्या है. द रीजन इज दैट बिकॉज वी डोंट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब हियर. ओके, इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, दिस इज अ रीजन स्टूडेंट ऑलवेज गेट पजल्ड. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, हमने Do या फिर does का यूज करना है. और do और does का यूज भी कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू पर्सन. ओके, सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन, उसके साथ क्या यूज करेंगे, हम does का यूज करेंगे. तो इसके साथ हम क्या करेंगे, ही does not cook food. ओके, तो क्या हो गया, ये does not का यूज हो गया और कुक फूड ये हमने यूज कर लिया इसके साथ. ठीक है, और इन द सेम वे अगर इसका हमने इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाना है, तो इंटरोगेटिव फॉर्म में क्या होगा, ये जो does यूज किया है ये हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा. तो कैसे, does he cook food, so this is a interrogative. ओके, इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क.
Okay, students, now I am going to write another example. So look at here very carefully. They play football. Okay, so here I used plural subject. Subject is in a plural. ठीक है, subject plural है. Then we will never use s and es with first form of the verb. ठीक है, simple में first form of the verb use करेंगे. s और es का use बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसके साथ. ठीक है, और साथ में object. Okay, now let's change this sentence into negative form. They do not play football. Okay, तो इसमें क्या है, हमने बेटा जब हमने इसको चेंज किया तो हमने डू के साथ, जैसे कि सिंगुलर में हमने क्या किया था, डू के साथ हमने ईएस का यूज किया था, यानी कि डस का यूज किया था. तो यहाँ पे हमने डू के साथ जो है ईएस का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है. तो यहाँ पे भी हमने जब हमने इसको नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है तो भी हम इसको क्या नहीं करेंगे, इसमें हम ईएस का यूज नहीं करेंगे. ओके, देन वी विल यूज इट लाइक दिस, वी विल चेंज इट लाइक दिस. दे डू नॉट, ओके, सिंपल में डू नॉट करेंगे. दे डज नॉट नहीं करेंगे हम. क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो सब्जेक्ट है हमारा ये प्लूरल फॉर्म में है. ओके, और उसके बाद द लास्ट में जब हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो हम डू का यूज स्टार्टिंग में कर देंगे. डू दे नॉट, डू दे प्ले फुटबॉल. ओके स्टूडेंट्स, that's all about the simple present tense, and you will get rest of the tenses in my next video. Thank you and have a nice day.